हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम आज आप सभी को मिश्र संक्रिया के सवाल हल करना सिखाएंगे, यानी जब जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ हो तो ऐसे सवालों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसको आइए सिखाते हैं। यहाँ पर ये हमारा पहला सवाल है। 381 ÷ 535 / 5 / 16 / 4। यहाँ पर देख रहे हैं गुणा भी है, जोड़ भी है, भाग भी है और घटाव भी है। तो ऐसे सवाल जब हल करना हो तो हम सबसे पहले भाग की संक्रिया को हल करते हैं। यहाँ पर देखिए ÷ 535 में 5 से भाग दिया गया है, तो आइए हम सबसे पहले भाग देते हैं। तो यहाँ पर 381 लिखेंगे ऋण। अब 535 में जब हम 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर 5 × 5 हो जाएगा, फिर 3 उतारेंगे बार जाएगा नहीं तो 0 बढ़ा लेंगे, 5 × 7 = 35। अब हम 535 / 5, इसकी जगह हमारा आ गया 107। अब इसके बाद शेष सभी चीजों को वैसे लिख लेंगे, ÷ 16 / 4 / 4। तो पहले स्टेप में हम भाग कर लेते हैं भाग। अब दूसरे स्टेप में हम गुणा करेंगे। अब यहाँ 381 लिखेंगे, शेष सब चीजों को वैसे ही उतार देंगे। यहाँ पर ऋण 107 धन, अब यहाँ गुणा हमारा हो जाएगा 16 × 64, यहाँ 64 लिख देंगे। अब दूसरे स्टेप में हमारा भाग हो गया, गुणा हो गया, पहले में भाग दूसरे में गुणा। इसके बाद तीसरे स्टेप में हमारा जोड़ होता है, जोड़ धन धन को जोड़ा जाता है। यहाँ पर 381 है, यहाँ पर 64 है, तो इसको और इसको पहले हम जोड़ेंगे। तो आइए जोड़ लेते हैं। 4 × 1 = 5 यहाँ हो जाएगा, 4 × 1 = 5। यहाँ पर 6 × 8 = 6 = 14 कि 4 लिखेंगे, और 3 × 1 = 4 यहाँ हो गया, 445 ऋण 107। अब तीसरे स्टेप में हमने जोड़ कर दिया, जोड़ की संक्रिया। अब चौथे स्टेप में हम घटा लेंगे, तो यहाँ 5 में से 7 घटेगा नहीं तो उधार लेगा, 15 में से 7 घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8। 15 में से 8 7 घटाएंगे तो 8 आएगा। यहाँ पर एक उधार दे दिया था तो एक कम हो जाएगा 3, यहाँ 3 में से 0 घटाएंगे 3 आएगा। अब यहाँ पर हमारा 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सवाल हल हो करके इसका आंसर आ जाता है 338, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके के सवाल जिसमें जोड़ घटाव गुणा भाग एक साथ हों तो उसमें सबसे पहले भाग करेंगे, इसके बाद गुणा, फिर जोड़ और अंत में हम घटाव की संक्रिया करते हैं, तब हमारा उत्तर आ जाता है। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के सवाल आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए अगला सवाल देखते हैं। ये अगला सवाल हमारा है 700 ÷ 15 / 156 / 4 / 3। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए हम पहले स्टेप में भाग, यहां पर है 156 में 4 से भाग दिया गया है तो भाग करेंगे, शेष चीजों को ऐसे उतारेंगे, 700 ÷ 15 लिखेंगे। अब यहां गुड़े, यहाँ जो भाग दिया गया है तो 4 × 3 = 12, 3 × 15 = 4 × 9 = 36। यहाँ 156 में जब हम 4 से भाग दे देंगे तो हमारा 39 आएगा, धन 3 लिखेंगे। अब दूसरे स्टेप में हम गुणा कर लेंगे, तो आइए गुणा कर लेते हैं। यहाँ 700 हो जाएगा ऋण, 15 × 9 = 135 होता है, हासिल 13 आ जाएगा, 15 × 3 = 45, 10 × 55 और 3 = 58 हो जाएगा। ये 585 हो गया, इसका गुणा इसके साथ किया हमने तो धन 3। तो दूसरे स्टेप में हमने गुणा कर लिया। अब तीसरे स्टेप में जोड़ते हैं, तो यहाँ पर 700 है और ये 3 है, तो धन धन जोड़ते हैं तो 703 हो जाएगा, ऋण 585 यहाँ लिख देंगे। अब फिर अंतिम स्टेप में हम घटाओ, तो आइए घटाते हैं। 3 में से 5 नहीं घटेगा तो 13 में से 5 घटाएंगे, 13 में से 5 घटाएंगे तो हमारा 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर एक उधार दे दिया था तो यहाँ 9 बचा, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। अब यहाँ पर भी एक कम हो गया था, 6 × 6 = 5 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। एक कम हो गया था, 7 की जगह 6 यहाँ होगा, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब इस तरीके से हमारा 118 आंसर आ जाता है, यही इसका हल होगा। तो ऐसे सवाल को हम क्रम से, अगर भाग गुणा जोड़ और घटाव क्रम से करेंगे तो उसके आंसर बहुत आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। अब आइए एक और सवाल देखते हैं।
अब ये रहा हमारा अगला सवाल। 435 धन 35 भागे 5 ऋण 32 गुणे 9। यहाँ पर सबसे पहले हमने बताया भाग करेंगे, तो 35 में 5 से भाग करेंगे, शेष सभी अंकों को हम उतार लेंगे। अब यहाँ पर 35 में जब 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 7 आ जाएगा, ऋण 32 गुणे 9। अब दूसरे स्टेप में हम गुणा करेंगे, तो आइए गुणा करते हैं। इसको ऐसे ही उतार लेंगे, 435 धन 7 ऋण, अब गुणा कर लेंगे, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 1 28 हो जाएगा, ये 288 हुआ। अब तीसरे स्टेप में हम जोड़ते हैं, आइए इसको जोड़ते हैं, 435 और 7 जोड़ेंगे, 7 5 12, 3 1 4, और यहाँ 4 है, 442 हो जाएगा ऋण 288। अब अंतिम स्टेप में हम जब घटा लेंगे तो वही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए इसको घटाते हैं, 2 में से 8 नहीं घटेगा तो 12 में से 8 घटाएंगे, तो 12 में से जब 8 घटाएंगे तो 4 आएगा, यहाँ एक कम हो गया तो 3 हुआ, 3 में से 8 नहीं घटेगा तो 13 में से 8 घटाएंगे, तो 8 5 13, तो 5 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक कम हो जाएगा, 3 हुआ, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी 154 ये हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरीके से जितना भी हम प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवाल हमें उतना ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब आइए एक और सवाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा अगला सवाल है, 41 ऋण 8 गुणे 4 भागे 1 धन 3। यहाँ पर देख रहे हैं 4 में 1 से भाग दिया गया है, जब किसी भी संख्या में 1 से भाग दिया जाता है तो उसका मान उतना ही होता है, यानी यहाँ पर 1 चौके 4 ही होगा, तो यहाँ 41 ऋण 8 गुणे, अब इसको इसकी जगह हम 4 में जब 1 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, धन 3। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे दूसरे स्टेप में, 41 ऋण 8 में 4 से गुणा करेंगे, 8 चौक 32, ये हमारा हो जाएगा, और धन 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसके बाद तीसरे स्टेप में हम जोड़ते हैं, तो 41 में जब 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा 41 3 44 हो जाएगा, ऋण 32। अब अंतिम स्टेप में हम इसको घटा लेंगे, 4 में 44 में से 32 घटाएंगे तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 आएगा, फिर 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा, यानी यहाँ पर हमारा 12 आ जाता है, और यही हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से जहाँ पर भी मिश्र संक्रिया के सवाल दिए गए हों, जोड़ घटाओ गुणा भाग एक साथ दिए गए हों, तो हम आसानी से भाग योग है इस क्रम का उपयोग करते हुए ऐसे सवालों को सॉल्व कर लेंगे। तो हमने आज आप सभी को संक्षेप में मिश्र संक्रिया से संबंधित ये 4 महत्वपूर्ण सवालों को हल कर सिखाने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि ऐसे सवाल आप सभी सॉल्व कर लेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ इसी तरह के सवालों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।